उनका हक क्या है बताइए, उस प्रॉपर्टी में क्या, किस हैसियत से रह रहे? सर पैदा हुई तो जब से वहीं पर रह रहा है सर। पैदा हुए तो ये मतलब थोड़ी आपकी होगी जगह, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, कौन से शहर गांधी में? वार्ड हाँ में, नरसिंहपुर में। जी, नरसिंहपुर में हाँ पैदा, आप नरसिंहपुर में हुए थे, हाँ तो नरसिंहपुर आपका हो गया, तो नहीं मतलब उसी घर में। हाँ अगर किराएदार कोई होता है वो भी पैदा होता है, तो ये थोड़ी मकान मालिक का मकान उसका हो गया, अभी हम यहाँ पैदा हुए थे हमारा हो गया। फ्रंट यू आर डोर सर, मिस्टर पटेल, नो बडी कैन एंटर हाउस मिस्टर पटेल, अब सर। रह क्या गया, टूटा खंडर है, उसमें क्या कर रहे हो आप? मैंने कुछ भी स्पॉट पे सर, मैंने भी प्रेजेंट वाइल ये गिविंग द बता कीज। सकते हैं सर कुछ नहीं, का उनको अब रह क्या गया, खंडर बन गया, उनका कोई हक है नहीं इसमें, फिर जी क्या इसमें जितेंद्र सर। जी, अब क्या रह गया, जब मकान ही गिर गया अब क्या, कहाँ रहेंगे अब, मकान कहाँ गया सर? इनको रह बोला रहे था हैं सर, उसमें सर को बोला था जाने के लिए ऊपर, तो वो गए नहीं। आप रह रहे हैं उसमें, अब रहने लगेंगे सर, उनको दिक्कत है रहने सर। लगेंगे नहीं, आज रह रहे हैं, पूरा सामान रखा सर वहां पे, नथिंग दूसरी इज बात देयर तो लॉस्ट। सिस्टम बना जाने का, नहीं तो यहीं पे रह रहे थे हम लोग तो। आपका हक क्या है बताइए, उस प्रॉपर्टी में क्या, किस हैसियत से रह रहे? सर पैदा हुई तो जब से वहीं पर रह रहा है सर। पैदा हुए तो ये मतलब थोड़ी आपकी होगी जगह, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, कौन से शहर गांधी में? वार्ड में, नरसिंहपुर में। हाँ जी, नरसिंहपुर में पैदा, हाँ आप नरसिंहपुर में हुए थे, हाँ तो नरसिंहपुर आपका हो गया, तो नहीं मतलब उसी घर में। अगर किराएदार कोई होता है वो भी पैदा होता है, तो ये थोड़ी मकान मालिक का मकान उसका हो गया, अभी हम यहाँ पैदा हुए थे हमारा हो गया। किराया नहीं सर रहते आ रहे हैं शुरू से उसमें, किराया कितना है उस, आज की तारीख में उसका, तो कुछ नहीं है सर उसका। आज की तारीख में इस जगह का कितना किराया होता? सर पीछे वाले 200-300 रुपये महीना देते हैं। 200-300 रुपए, तो हाँ आपको ये 300 रुपये महीना दे देंगे, अगले 3 साल के लिए कहीं और ले लीजिए जगह, जी आपको 300 रुपये महीना ये दे देंगे, आप कहीं और किराए सर, पे ले इनमें लीजिए कमरे होने जगह। की बात कही थी इसलिए हम रुके हैं, कोई बात है नहीं, हाँ जो जी, कमरे की खरीद जगह की बात हुई थी इसीलिए हम रुके हैं, नहीं के तो नहीं देंगे आपको, 3 साल के लिए किराए पे ले देंगे 300 रुपये, कितना बना, 300 कितना हुआ, 3 साल का किराया 300, 3600, 9000, 10000 रुपये देते हैं आपको, या खाली करने के? नहीं तो उसी मकान का हम सर 300 रुपये नहीं नहीं महीने की आपको तरह दस लेंगे। हजार रुपये देंगे खाली करने के, 300 रुपये महीने किराए में मिल जाते हैं ना दो कमरे, तो ले लीजिए 3 साल का किराया, भगते 10000 रुपये देते हैं आपको, आप जाइए ले लीजिए, नहीं तो उसी में रहेंगे ना सर, उसी काम दे देंगे 300 रुपये उसमें नहीं किराया रहेंगे, है उसमें आपका कोई हक बढ़िया, नहीं उसमें है, अच्छा बना हुआ व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपका सर। उसमें कोई हक नहीं है, अगर रहना है तो उसका हर महीने का 5000 रुपये किराया दीजिए पिछले 3 साल से, तो सर इतना किराया कहाँ दे पाएंगे सर एकदम से? फिर किसी और की जगह में आप कब्जा करके बैठे हैं, सर कब्जा करके नहीं बैठे हैं सर शुरू से, अपना जो हक दिखाइए क्या है, किरायनामा दिखाइए, किराए की किरायनामा रसीद सर पहले दिखाइए, कोई ऐसा कुछ बनता नहीं था सर पहले, भाई शुरू में से रहते आ रहे हैं वहां पे, सब व्यवस्था करते आ रहे हैं, पूरी मकान की पूरी देख रेख करते आ रहे हैं, बल्कि मकान में इतना पैसा भी लगा दिया सर कि अपनी 2-3 प्लाट अलग से खरीद लेते उस समय हम लोग, इतना पैसा भी लगा दिया मकान में, पूरा मकान सर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मकान बनवाया हुआ वॉट है। वुड बी द रेंट ऑफ द एडजॉइनिंग इट्स अ रूम्स फॉर? मार्केट, इट्स अ मार्केट कमर्शियल लोकेलिटी लॉर्डशिप, सराफा मार्केट ऑफ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट इज देयर लॉर्डशिप, ये जस्ट सराफा मार्केट में है, कितना लॉर्डशिप। किराया होगा यहाँ पे? सो आई एम नॉट अवेयर बट दैट्स अ कमर्शियल सर प्लेस, पुलिया में है सर, सराफा मार्केट मेन रोड पे पुलिया में एडजेसेंट है। टू मी, एडजेसेंट टू दिस प्रॉपर्टी इज अ ज्वेलर शॉप लॉर्डशिप, एंड टू शॉप, टू हाउसेज एडजेसेंट टू दिस इज अदर ज्वेलर शॉप लॉर्डशिप, एंटायर एरिया इज कंदेली में तो वेरी, रेंट कितना होगा, अब इनको हर महीने का किराया बोले मिनिमम जमा फाइव करना, थाउजेंड मिनिमम 5,000 इतना एंड ही नहीं हैज है नॉट सर, पेड रेंट सिंस 1990 लॉर्डशिप। तो यू कैन एट बेस्ट क्लेम 3 इयर्स, हाँ दैट इज कांट क्लेम बियॉन्ड थ्री लाइक इयर्स लॉर्डशिप एंड माय स्टेटमेंट एट बार में भी रिकॉर्डेड लॉर्डशिप, हाउस इज नॉट इन पोजीशन दैट एनीबॉडी कैन एंटर द हाउस, द पर्सन हु विल एंटर द फर्स्ट फ्लोर रिमेनिंग इज विल फॉल डाउन ऑन हिम लॉर्डशिप, इट्स अ रियली वेरी सीरियस डायरेक्टर कंडीशन साहब। फॉर। आपको अगर आप रह रहे हैं उसका किराया, हम अगर स्टे करेंगे तो आपको किराया देना पड़ेगा, जो आज की तारीख में उस मकान का किराया पिछले 3 साल, 1.5-2 लाख रुपए जमा कराने पड़ जाएंगे आप। सर इसमें एक्चुअल डिस्प्यूट ये है सर, इसमें माइक माइक एक्चुअल डिस्प्यूट ये है कि आज से 15 से 18 साल पहले इन्होंने रिपेयर कराया था उस मकान को, और जो भी एक्सपेंस हुआ था तो ये 15-17 साल का जो रेंट इनसे नहीं लिया गया, ना आपने कभी नोटिस दिया, डिमांड भी नहीं करी उस किराए की, इसी के एवज में नहीं किया गया था कि आप अभी एक्सपेंस कर दीजिए, रिपेयर करा लीजिए, हम उसी को मर्ज कर लेंगे रेंट में खत्म हो गया ना, जी। तो इन्होंने
डिमांड भी नहीं करी और ये कंटिन्यू रहते आए। तो टेनेंट ऑलवेज रिमेन्स अ टेनेंट, टेनेंट विल नॉट बिकम एन ओनर। ओनर की, ओनर के लिए मैं नहीं कह रहा सर कि ये ओनर हुए किसकी, हैं, इसको किराए दीजिए ना उनको, आपकी दादा परदादा इधर आज भी किराए देने करते के, हैं, आज भी ये देने के तो लिए पांच तैयार हजार है। रुपये महीने के हिसाब से पिछले 3 साल का जमा कराइए, फिर हम देखते हैं आगे। सर मेरा निवेदन तो ये था कि आपस में ये और आपस में जो बैठ के कर ओनर लीजिए, है कर अपना क्लियर लीजिए, दीजिए कर क्या लें ऑफर है कि उनको, कितना अमाउंट हो रहा है इनका और रेंट का जो भी बन रहा है, तो ये तैयार है देने के बैठ लिए। के कर लीजिए बात, क्या ऑफर करते हैं, लगा देते हैं हफ्ते 10 दिन बाद। सर स्टे चाहिए तो स्टे तो पैसे जमा करा के मिलेगा, किराएदार की हैसियत में आप हैं, किराएदार ही रहेंगे। विदाउट रिकंस्ट्रक्शन लॉर्डशिप नो बडी कैन लिव देयर, इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट यू नाउ, आई लॉर्डशिप आई एम सॉरी आर्ग्यूइंग अगेंस्ट प्रोन केस सॉरी। योर। आप दोनों बैठ के फैसला कर लीजिए, प्रॉपर्टी तो टूट गई, आप चाहे जितना मर्जी बोले सामान पड़ा ये सब पड़ा, पहले की हालत भी और खस्ता थी। कई बार टूट चुके हैं तो बड़ी बात आपका थोड़ी कहना है कि ऐसा कई बार डैमेज हो चुका है और हम रिपेयर कर लेते हैं वो बढ़िया हो। और क्या रिपेयर हुआ, अगर 10 साल पहले रिपेयर कराया तो फिर गिर गई इस हालत में, तो सर फिर रिपेयर क्या कराया? वो सर जो खप्पर लगे हुए हैं, आपका सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो हम तो जी सर किराए के है, डायरेक्शन दे, कंटेम्प्ट पिटीशन है, हम तो खाली करवाएंगे इसको, हाँ स्टे चाहिए तो किराया जमा कराना पड़ेगा, ये तैयार है सर रहने के लिए। और रहने के लिए लाइए 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपये जमा कराइए। आपका कहना है कि थोड़ी सा टाइम दिया जाए, व्यवस्था करूंगा मैं। उसके बाद भी रहेंगे नहीं सारी जिंदगी, वो भी जब तक ये केस चल रहा है, जब तक आप साबित नहीं करेंगे आपका हक क्या है, और आप किराएदार ही हैं, आपके दादा परदादा किराएदार थे ना इसमें, उससे ज्यादा क्या ले लेंगे आप? अगर इनसे बैठ के कोई फैसला होता है, फैसला कर लीजिए। एक कोशिश कर लेते हैं यस, सर। लेट काउंसिल फॉर द पार्टीज प्रे फॉर टाइम टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेटलमेंट एंड रिक्वेस्ट लिस्ट ऑन 4th December 2020। अर्लियर डेट में भी गिवन लॉर्डशिप, बिकॉज़ द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल, ही वाज ट्रीटेड इन वेदांता हॉस्पिटल, इट मे बी डिसाइड एनी डेट इन द मंथ ऑफ नवंबर लॉर्डशिप। List on 28th November 2024. Mr. Jitendra Jain shall be personally present in court on the set date.